जन है वो सोचते हैं कि भैया काम चलेगा रुपया से, केवल ये सोचने से या जानकारी से काम थोड़ी चलने वाला है। हम भी जानते हैं संसार नाशवान, पर जिएंगे कैसे भाई? रुपया चाहिए हमें तो, कामना की पूर्ति चाहिए, बेटी का ब्याह करना है, अमुक अमुक कार्य है। भजन ब्याह करवा देगा क्या? मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसको परमार्थिक बातें सुनने में अच्छी लगती है और अपनी बुद्धि में रख के सुनाने में अच्छा लगता है, ये प्रायः है। हम कह रहे किसी गांव वाले से पूछ लो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये संसार क्या है, वो उत्तर दे देगा भैया सब नाशवान है, भजन करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। सब हम प्रायः देखे, लेकिन उनसे पूछो कि फिर ये नाशवान संसार में राग क्यों कर रहे हो, जब भजन करने से ही आनंद की अनुभूति होती तो आप भजन क्यों नहीं कर रहे हो? ये नहीं हो पाएगा। ये स्वभाव है कि वो अपना कल्याण करना नहीं चाहता, फंसा इसी संसार में रहना चाहता है, पर वो जानता सब कुछ है। मनुष्य जन्म की सफलता इस जानकारी में नहीं है, अपना कल्याण कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ये जानकारी को अपने आचरण में उतार लो। व्यवहार में आता है तो ऐसे जो जानकार जन है वो सोचते हैं कि भैया काम चलेगा रुपया से, केवल ये सोचने से या जानकारी से काम थोड़ी चलने वाला है। हम भी जानते हैं संसार नाशवान, पर जिएंगे कैसे भाई? रुपया चाहिए हमें तो, कामना की पूर्ति चाहिए, बेटी का ब्याह करना है, अमुक अमुक कार्य है। भजन ब्याह करवा देगा क्या? भजन जो है अमुक काम, भजन को इतना छोटा समझे हो क्या? अरे जिसने ये संपूर्ण प्रपंच को रखा है भजन करने वालों के आगे, वो ग्रीवा झुका देते हैं। तुम संतात उरिन मैना, गोपीजनों से क्या प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं? बहुत जन्म लेकर अनंत काल तक यदि हम तुम्हें सुख पहुंचाए तो भी हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे, तुम्हारे प्रेम के ऋणी रहेंगे। यह है भजन, क्या दुर्लभ है, अभी तुम जाना ही नहीं, क्या दुर्लभ है भजन करने वालों के लिए, आपको पता नहीं। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो जाएगा। बालिका के पैदा होने के पहले ब्याह निश्चय उसके हो चुका है, पैदा हो रही है, निश्चय कि इसको ये दूल्हा मिलेगा। जो विधना ने लिख दिए, छठी राव के अंक राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण ये जस अपजस, ये सब विधान में लिख चुका है। एक बात विधान में नहीं लिखी कि भगवान मिलेंगे। इस बात को तुम विधान रचो, अब तुम ऐसा निश्चय करो कि ये जन्म भगवत प्राप्त। वो विधान है, मानो जिनके घरों में जिनके द्वारा घर चल रहा था वो किसी कारणवश उनकी आयु समाप्त हुई, पधार गए तो उनके घर में ताला लग गया, सब भूखों मर गए, किसी के ब्याह नहीं हुए, किसी का उत्सव नहीं हुआ, क्या पता लगा लो किसी का नहीं रुका आज तक। क्यों? वो विधान है, वो चल रहा है, वो तो केवल हमसे हम स्वीकार कर। एक बात विधान में नहीं लिखी, ये जीवन तुम भजन, भूखों मर गए, किसी के ब्याह नहीं हुए, किसी का उत्सव नहीं हुआ, क्या पता लगा लो किसी का नहीं रुका आज तक। क्यों? वो विधान है, वो चल रहा है, वो तो केवल हमसे हम स्वीकार कर। एक बात विधान में नहीं लिखी, ये जीवन तुम भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, ये विधान में नहीं। ये कृपा से तुम्हें संयोग मिलेगा संतों का संग, और उसमें सत्संग में ये विवेक की आप मुझे भगवत प्राप्त, ये तुम्हारा नया विधान।